जब मुझे इतला मिली कि मेरे वालिद मरहूम का रोड एक्सीडेंट हुआ है और रोड साइड पे उनकी डेड बॉडी पड़ी है, तो हमारे यहाँ जो निज़ामे तालीम है वो आज भी क्लर्क्स पैदा कर रहा है। वो फॉल्स और फ्रिवलेस मुकदमात जिनको डे वन डिसमिस हो जाना चाहिए इन लिमिन, वो भी कॉज लिस्ट पे सालहा साल चलते रहते हैं। ये फाइंड आउट हो जाए कि ये फॉल्स लिटिगेशन थी तो हैवी कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है। अ लॉयर विद अ लॉ डिग्री इज अ मैसर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन बड़े इंसान वही होते हैं जो अपनी रास्ते की मुश्किलात को हर्डल नहीं बनने देते, बल्कि उन पे कदम रखते हुए उन मुश्किलात को पीछे छोड़ देते हैं और कामयाबी की तरफ गामजन रहते हैं। ऐसी एक कहानी के साथ मैं आज दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम नौशाब अली खान साहब है। ये पेशे के एतबार से तो एक लॉयर हैं, इसके साथ साथ ये एक प्रोफेसर भी हैं। इंग्लिश टीचिंग इन्होंने बहुत अरसा की और पिछले 21-22 सालों से ये लॉ की फील्ड के साथ मुंसलिक है। इनकी ख़ास बात यह है कि जब इन्होंने देखा कि इनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात इनको तंग कर रही हैं या इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट सफ़र शुरू किया, यानी उनको कॉन्कर करते गए। और उनको कॉन्कर करने के सिलसिले में इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि इन्होंने अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को बेहतर किया और इंग्लिश टीचिंग शुरू की, और इतनी ज़्यादा एफिशिएंट इंग्लिश टीचिंग की कि ये एक घंटे का 10,000 रुपया भी चार्ज करते रहे हैं। उसके बाद ये लॉ की फील्ड में गए और इन्होंने अपना काम वहाँ पे शुरू किया। एक ऐसा वक्त भी था नाज़रीन जब इनके पास सिर्फ एक साइकिल थी, और आज ये एक बहुत बड़े चेंबर के हेड हैं और लॉयर भी हैं और अपना काम बड़ी कामयाबी से सरंजाम दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि लॉ की फील्ड का इंतखाब इन्होंने क्यों और कैसे किया, और आने वाले वक्त में ये अपनी ज़िंदगी के विजन को, मिशन को कैसे देखते हैं, इनके क्या गोल्स हैं, क्या इरादे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाब अली खान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा नौजवान जिसके पास ख्वाब थे, एक बड़ी सोच थी और एक बाइसिकल थी, उसने अपना सफ़र शुरू किया और आज वो जुडिशल हब में उसका एक ऑफिशियल बिल्डिंग है, ऑफिस है, और लोअर माल पे वो अपना काम कर रहा है एज अ लॉ प्रोफेशनल, तो मुझे ये बताएं कि ये सक्सेस आपने कैसे अचीव की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद शुक्रिया अली रहमान साहब। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मुझे 23 जुलाई 1994 का वो वक्त याद आ गया जब मैं बीए का तालिब इल्म था और बीए इंग्लिश का आखिरी पेपर मैंने देना था, और उस तारीख को जो मेरी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत की हामिल है, वाक़या ये हुआ कि मुझे इतला मिली कि मेरे वालिद मरहूम का रोड एक्सीडेंट हुआ है और रोड साइड पे उनकी डेड बॉडी पड़ी है, और मुझे कहा गया कि आप वहाँ चलें, उनके एक दोस्त मेरे पास तशरीफ़ लाए, और वहाँ से नेक्स्ट डे उनकी तजहीज़ो तकफीन के बाद मैंने अपने बीए इंग्लिश का आखिरी पेपर दिया, और उस नौशाब के प्रोफेशनल करियर का आगाज़ हुआ एक ट्यूटर की हैसियत से। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि उसका उस वक्त वाहद असासा जो था, एक तो वो एम्बिशन था कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, और एक वो बाइसिकल थी जो उसका वाहद असासा था। और यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन दो दिहाइयों में आज मेरे जो टैक्स डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो 100 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हैं, और मेरी जो टैक्स डिक्लेयर्ड इनकम है दैट आल्सो एक्सीड द इनकम ऑफ मेनी वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लॉयर्स। और लेकिन आगाज़ जो है वो उस एम्बिशन के साथ हुआ और उस विजन के साथ हुआ, उस पर्पस के साथ हुआ कि ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है। और मैंने एक बात जो एक्सपीरियंस की, जिसे कहा गया कि सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज बथेरे, हज़ार हा शजरे सायादार राह में,
तो मैंने तो यही सीखा कि आप अपने सफ़र का आगाज़ करें तो अल्लाह तबारक ताला बहुत सारी आसानियां पैदा फरमा देते हैं। सर, लॉ की फील्ड में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? क्या ये कोई हादसाती तौर पे आप इस फील्ड में आए, या आपने सोचा था बीए के बाद कि मैंने वकील बनना है, या आपके जो आर्गुमेंटेटिव स्किल्स थे उसकी वजह से बाज़ूकात लोग कह देते हैं कि आपको ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, तो आपके साथ क्या हुआ था? अली रहमान साहब, मेरे वालिद मरहूम की ज़रई अराजी थी और वो लिटिगेशन के सिलसिला में कचहरी जाया करते थे, तो बाज़ मौके पे वो मुझे साथ लेके गए। और अक्सर ये होता था कि अगर चेंबर में उनके वकील साहब मौजूद नहीं होते थे तो वो मुझे उनकी कुर्सी पे बिठा देते थे और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम लॉयर बनो। और क्लास फोर से इसी विजन के तहत तो उन्होंने मुझे स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनक्रेज किया और क्लास फोर से बाकायदा मुख्तलिफ डेक्लेमेशंस और स्पीच कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की वजह से एक कह लीजिए कि एडवोकेसी स्किल्स का आगाज़ वहीं से हो गया। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। सर, आने वाले वक्त में सियासत में जाने का आपका कोई प्लान है? देखिए अली रहमान साहब, सियासत बुनियादी तौर पे मुआशरे की बेहतरी के लिए एक एक्सीक्यूशन प्लान आपको देती है। और पाकिस्तान की अगर हम सियासी तारीख का जायज़ा लें तो वकला का क़्याम पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान तक एक अहम किरदार हमें नज़र आता है। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आज अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो कायदे आज़म अलैह रहमत से लेके इलामा मोहम्मद इकबाल तक और फिर ऑनवर्ड आज की अगर हम बात करें तो आज किसी एक पोलिटिकल पार्टी का नाम लें, वकला उनका हरावल दस्ता हैं। आपको एतज़ाज़ अहसन साहब नज़र आते हैं, आपको नैयर बुखारी साहब नज़र आते हैं, आपको आज़म नज़ीर तारट साहब नज़र आते हैं। ये तमाम वकला हैं जो अपना किरदार अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ में अदा कर रहे हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वकला तो इनडायरेक्टली मुआशरे की बेहतरी के लिए जो भी मंजरनामा है या जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत है वो इस अहलियत के हामिल होते हैं कि अपना किरदार अदा कर सकें। और सबसे अहम, सियासतदान का जो बुनियादी फरीज़ा है, सियासतदान हम आमतौर पर मेम्बर्स प्रोविंशियल असम्बली को लेते हैं या नेशनल असम्बली को लेते हैं, तो लेजिस्लेशन उनका बुनियादी काम है। ऐसे और लॉयर से ज़्यादा कानून की बारीकियों को समझने की सलाहियत मुआशरे का कोई और फ़र्द नहीं रखता। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका 20-21 साल का एक्सपीरियंस है लॉ की फील्ड में, पाकिस्तान को भी आप देखते हैं, आपके ख्याल में हमारे सिस्टम का, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम है वो आज भी क्लर्क्स पैदा कर रहा है, आज भी वो उस अंदाज़ में तरबियत और तालीम का फरीज़ा अदा नहीं कर रहा कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए जा सकें। आने वाला जो वक्त है वो ना सिर्फ आपकी तालीमी काबिलियत को देखता है या मुआशरे में अगर कामयाबी या किसी प्रोफेशन में कामयाबी अगर आपने हासिल करना है तो उसके लिए आपका एक स्किल सेट होना चाहिए, उस पर कोई तालीमी इदारों की बदकिस्मती से तवज्जो नहीं है। तो मैं बुनियादी तौर पर ये देखता हूँ कि ख्वाब वो फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो या प्रोफेशनल एजुकेशन हो, उसमें ज़्यादा फोकस रोट लर्निंग पे है, ज़्यादा फोकस क्रैमिंग पे है। और जो वो सलाहियतें जिनके इनकलकेट करने की ज़रूरत है हमारे तालीमी अदारे वो मुहैया नहीं कर रहे, जिसकी वजह से और जिसकी पॉसिटी की वजह से, जिस बुनियादी लूपहोल की वजह से, मैं समझता हूँ कि कासिम अली शाह साहब की ये जो फाउंडेशन है, इस तरह के अदारों की हमें इंतहाई ज़रूरत है। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहता चलूँ कि कासिम अली शाह साहब जो कहते हैं कि पाकिस्तान ज़ेरे तामीर है, वो बुनियादी बात यही है जो मैं समझ सका हूँ कि तालीमी हवाले से हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर, आपकी जो फील्ड है उसमें बहुत सारे लॉयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मुझे ये बताएं कि इस फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो तालीम हासिल कर लेने के बाद, लॉ की डिग्री ले लेने के बाद, जो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करना है, एट टाइम्स हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किसी पैशन को लेके प्रोफेशन में नहीं आते, बदकिस्मती से हम शॉर्ट साइटेड होते हैं बहसियत लॉयर। और जो चैलेंज मैं देखता हूँ वो ये है कि बजाय वकला, नौजवान वकला इस बात पे फोकस करें
कि उन्होंने अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है, उन्होंने अपनी एडवोकेसी स्किल्स पे फोकस करना है, उन्होंने अपनी जो बोलने की सलाहियत है, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, उनको एक्वायर करना है, उनको लर्न करना है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। और हमारे प्रोफेशन में बिलखसूस जो एक अलमिया है वो ये है कि हम देखते हैं कि इवन यूनिवर्सिटीज़ में एट टाइम्स आप डिस्टिंक्शन ले रहे होते हैं लेकिन एडवोकेसी स्किल्स आपकी निल होती हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एडवोकेसी स्किल्स बुनियादी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन में कामयाबी के लिए, और वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को किसी हद तक तो पूरा करता है, लेकिन अगर उसको कॉम्प्लीमेंट ना किया जाए अपनी स्किल्स को इन्हांस करके, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी किसी बात को आर्टिकुलेट अंदाज में, पहले तो उसको लिखना और फिर उसको एक्सप्रेस करना, ये वो एरियाज़ हैं जो ग्रे एरियाज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में नए आने वाले वोकला बिलखसूस वो इस चैलेंज, ये चैलेंज उनको दरपेश है। सर, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी तजावीज़ आप पेश करें जिस पे अगर पाकिस्तान बहैसियत मुल्क अमल कर लें, जैसे आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, यकीन और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो उन पे अगर अमल कर लिया जाए तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फौरी तौर पे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, पहला तो जो बुनियादी नुक्ता है, अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन में ज़ेरे तालीम तलबा की उस फील्ड से मुतल्लिक स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, ठीक है, तो मैं एक जाइगेंटिक चेंज देखता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस बात को मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि आप MBBS या BDS करते हैं और अगर आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, या आपको ये एथिकली इतना एम्पावर नहीं किया गया कि आपने प्राइमरी केयर पे जाके सर्व करना है और ग्रास रूट लेवल पे आपने नॉलेज एक्वायर करना है। लाइकवाइज अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरे प्रोफेशन में LLB कर लेने के बाद, LLM कर लेने के बाद, बार एट लॉ कर लेने के बाद, जब तक इस बात पे फोकस ना किया जाए कि मेरी एथिकल नीड्स और ड्यूटीज़ क्या हैं और एथिकली मैंने अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलना है, अपने क्लाइंट के राइट्स को कैसे देखना है, अपनी कोर्ट के ऑनर और ग्रेस को कैसे मेंटेन रखना है, किस डेकोरम को फॉलो करना है, ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो हमें, अगर हम उन पे फोकस करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ हम अपने प्रोफेशन में उन स्किल्स को भी एक्वायर करें, तो मैं देखता हूँ कि दिस कैन ब्रिंग अ रिफॉर्मेटिव चेंज, अ ह्यूज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर, आपकी ज़िंदगी में जब आप स्टूडेंट थे, आपकी इंस्पायरेशन कौन था? देखिए, मैं शुरू से ही जब लॉ का तालिबे इल्म था तो SM ज़फ़र साहब की ज़ात, उनकी किताबें मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। और उनका वो जो एक कहीं उन्होंने कहा कि अ लॉयर विद अ लॉ डिग्री इज़ अ मैसर, बट अ लॉयर विद द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोशल ऑर्डर ऑफ हिज टाइम इज़ एन आर्किटेक्ट। तो वो ख़ुद ना सिर्फ आर्किटेक्ट हैं बल्कि वो ज़ोर देते हैं इस बात पे कि लॉयर जो है उसको आर्टिकुलेट होना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है कि लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्डर उसके पास होना चाहिए। और यही बात आज अगर हम आसिफ सईद खान खोसा साहब, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनकी कुछ किताबें, जजिंग विद पैशन एक किताब जिसमें वो बड़ा ज़ोर देते हैं इस बात पे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशंस ही जो है वो अहमियत की हामिल है। अब हमारे प्रोफेशन में हमारे यहाँ बहुत सारी लेटेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, बहुत सारी ग्रीक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ना हमारे लॉ कॉलेजेस में और ना ही हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं या ऐसे कॉन्टीन्यूड लीगल एजुकेशन के कोर्सेज मौजूद हैं कि उन एरियाज़ को, उन शॉर्टकमिंग्स को मेकअप किया जा सके। तो मेरी जो इंस्पिरेशन रही हैं, आपका जो सवाल है उसमें SM ज़फ़र साहब हैं, आसिफ सईद खोसा साहब हैं, और अगर आप आज की बात करें तो आज भी बहुत सारे रोल मॉडल्स हम लॉयर्स के लिए मौजूद हैं कि अगर हम उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करें तो वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल लॉयर्स, जिसमें मैं ख़ास तौर पर
आज़म नज़ीर तारड़ साहब का और सलमान अकरम राजा साहब का नाम देना चाहूँगा। सर, अगर हम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आती है अक्सर इंटरव्यूज़ में या जब भी बातचीत होती है, ख़ासतौर पे वकला के साथ या जजेस के साथ, तो इस पॉइंट को उठाया जाता है कि जस्टिस जो है वो पाकिस्तान में डिले हो जाता है। इसकी रूट कॉज क्या है? देखिए अली रहमान साहब, सबसे पहले तो बैकलॉग है केसेस का, और अगर हम इस बैकलॉग की रूट कॉज को देखें तो फॉल्स और फ्रिवलेस लिटिगेशन है। सही, हमारे यहाँ वो फॉल्स और फ्रिवलेस मुकदमात जिनको डे वन डिसमिस हो जाना चाहिए इन लिमिनी, वो भी कॉज लिस्ट पे साल हा साल चलते रहते हैं। रिजल्टेंटली वो इस तरह से कंबरसम हो जाता है सारा सिस्टम कोर्ट वर्किंग का, कि ना लॉयर्स सही परफॉर्म कर पाते हैं और ना ही जजेस सही परफॉर्म कर पाते हैं। जिसकी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल ली जाए तो आज आप किसी सिविल जज साहब की कॉज लिस्ट को जाके देख लीजिए, 100 से ज़्यादा केसेस की कॉज लिस्ट होगी, जो कि प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसको कोई भी प्रोडक्टिव काम उन सब ब्रीफ्स में मुमकिन हो सके। तो हमारे यहाँ एक तो फॉल्स और फ्रिवलेस लिटिगेशन, दूसरा लॉयर्स के पार्ट पे मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लॉयर्स को जो कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी करनी चाहिए कि हम बेहतर अंदाज में अपनी प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट करें, हम बेहतर अंदाज में कोर्ट्स को असिस्ट करें, वो भी वहाँ पे भी मैं बहुत सारी डेफिशिएंसी देखता हूँ। और इसी वजह से मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे तालीमी अदारों को फोकस करना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल नीड्स और नेसेसिटीज़ हैं प्रोफेशन की, हम अपने तालीमी अदारों में उस जेवर से अपने तलबा को आरास्ता करके मार्केट में भेजें ताकि वो सही सर्विसेज रेंडर कर सकें। और ये जो जुडिशल सिस्टम पे स्टिग्मा है, जिसको आपने बड़े एहसन अंदाज में कहा कि जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड, और वो डिनाइल ही नज़र आता है एक आम आदमी को, और वो रिपोज नहीं कर पाता कॉन्फिडेंस अपने इस सिस्टम पे इस डिले की वजह से। लेकिन इस डिले से बहुत सारा सफ़र जो है, बहुत सारी सफरिंग जो है, वो लीगल फर्टर्निटी की भी है, लॉयर्स की भी है। एक ही ब्रीफ को वो साल हा साल लेके चलते हैं, और उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ फ्रिवलेस और फॉल्स लिटिगेशन एक बुनियादी वजह है, वहाँ कोर्ट्स पे वर्कलोड का ज़्यादा होना और कोर्ट्स रिक्वायरमेंट से कम होना, ये बुनियादी वजूहात हैं। सर, इसमें आपके ख्याल में कोई चेक एंड बैलेंस की ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिससे इस लोड को, या जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक जज के पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, उस लोड को किसी तरह मैनेज किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके? क्योंकि एक तरफ तो आप जो बात कर रहे हैं कि तरबियत होनी चाहिए और तरबियत के बाद वो लोग आएंगे, तो सर जब वो लोग आएंगे तो फिर वो आने के बाद भी वो एक स्टेट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो है उनके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम अभी से इसको देखें, आपके ख्याल में अभी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जो इसको पॉसिबल कर दे किसी हद तक? देखिए अली रहमान साहब, सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये है कि हमारे यहाँ लॉज भी मौजूद हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो पहला नुक्ता मैंने आपको दिया वो ये है कि फॉल्स और फ्रिवलेस लिटिगेशन, अब कानून में ये बात मौजूद है, सिविल प्रोसीजर कोड में ये लिखा हुआ है कि अगर ये फाइंड आउट हो जाए कि ये फॉल्स लिटिगेशन थी तो हैवी कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है, ठीक है, उस लिटिगेंट हैबिचुअल लिटिगेंट पर्सन पे। हमारे यहाँ वो कॉस्ट इम्पोज नहीं की जाती। सही। अगर कानून जो मौजूद है उसी पे कमा हक्कू अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो एक डेटरेंस कॉज करेगा। जब इस तरह की एग्जांपल्स नज़र आएंगी कि एक फॉल्स पिटीशन फाइल की गई और उसकी बैकलैश नज़र आएगा कि उसके आफ्टरमैथ में हैवी पेनल्टी इम्पोज कर दी गई, तो डेफिनेटली जो हैबिचुअल लिटिगेंट्स हैं वो कोर्ट को ओवरबर्डन नहीं करेंगे। तो कवानीन अपनी जगह पर मौजूद हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने की अशद ज़रूरत है। सर, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत आप जिसे कह लें ज़ीरो भी नहीं, माइनस से आप प्लस 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 पे आए, तो इस सारी स्ट्रगल में आपको क्या लगता है आपका जो सबसे ज़्यादा जिसे कह लें कोर स्ट्रेंथ क्या थी, या वो ऐसा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा था जिसकी वजह से आप कामयाब हुए? अली रहमान साहब, टू बी ऑनेस्ट, एक तो
मैं अपनी ज़ात के हवाले से, एक तालिब इल्म के हवाले से जब देखता हूँ तो जहाँ मुझे कहीं डिफिशेंसी नज़र आई कि ये वो एरिया है जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मैंने बड़े खुले दिल के साथ एक तालिब इल्म की हैसियत से उस एरिया को इम्प्रूव करने की कोशिश की। जिसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब मैं बीए के बाद ट्यूशन्स पढ़ाता था और उर्दू मीडियम मेरा अपना मीडियम उर्दू था, और जब मुझे लॉ एजुकेशन के लिए अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए ज़रूरत थी कि मैं इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करूँ, तो बग़ैर ताखीर के मैंने बहुत फोकस्ड होकर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम किया और नतीजतन मैं बहुत पॉपुलर रहा इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से टीचर और ट्यूटर की हैसियत से। लेकिन उसमें जो एक बुनियादी नुक्ता कारफरमा था वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट थी। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारे प्रोफेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, ये इस बात में कतन कोई ऐसी बात नहीं है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, और लेकिन इंग्लिश लॉ ऑफ लैंग्वेज ऑफ लॉ है। और ये जो आज की हमारी ग्लोबल विलेज है, इसमें अगर हमने कम्पीट करना है, सक्सेसफुल होना है, तो बहुत ज़रूरत है हम लॉयर्स को बिलखसूस और मेरे जैसे जो ग्रास रूट लेवल से आने वाले लोग हैं कि वो अपनी उन स्किल्स को इन्हांस करें, उनको इम्प्रूव करें। मैं भी जैसे अफोर्ड नहीं कर पाया कि मैं बारेट लॉ करूं या एलएलएम करूं, लेकिन ये क्वालिफिकेशंस अगर आपको एडवोकेसी स्किल्स देती हैं, अगर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देती हैं, तो जो अदर देन हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का रूट था, अदर देन दैट रूट जो एक रूट अवेलेबल था, जो एक रास्ता अवेलेबल था जिसको मैं अफोर्ड करता था, मैंने उसको ऑप्ट किया। और यकीन कीजिए कि उस नौशाब बीए पास ट्यूटर जिसको 1,000 rupees a month, 6 days a week, 2 hours a day के लिए 1,000 rupees ट्यूशन मिलती थी, जब उसने अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव कर ली, जब वो इंग्लिश में प्रोफेशनल हो गया, तो वही 10,000 rupees पर आवर कमाने लगा। तो मेरा कहना ये है कि जहाँ हम शॉर्ट कमिंग अपनी ज़ात में देखते हैं, हम अगर उसको साथ साथ इम्प्रूव करते जाएँ और हमेशा एक तालिबे इल्म की हैसियत से ही वो उस इम्प्रूवमेंट पे हमारा फोकस रहे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मंजिलें जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं। सर, कोई ऐसा ख्वाब है जो आपने देखा हो और आप उसे अचीव करना चाहते हो, अभी रहता हो, अभी आज के तनाजुर में हम बात करें, क्योंकि कुछ ख्वाब तो आप अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा विज़न, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत तंग करती हो कि यार ये काम मैंने करना है, वो कौन सा ख्वाब है? अली रहमान साहब, सबसे पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैं ऐसे दर्जनों सैकड़ों नौजवान वकला को जानता हूँ जो मेरी तरह से, जिनका हम्बल बैकग्राउंड है। आज मुझे एजाज़ हासिल हुआ कासिम अली शाह साहब के साथ मीटिंग का, तो उसमें भी जो फोकल एजेंडा पॉइंट था वो ये था कि कासिम अली शाह साहब की जो फाउंडेशन है वो यंग लॉयर्स के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है। और मैं बड़ा खुश हूँ आज आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन को बताते हुए कि हम आने वाले दिनों में इस फाउंडेशन के फोरम से यंग लॉयर्स के लिए एक स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक एडवोकेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। और ये मेरा भी बुनियादी मतमय नज़र है कि हम जो हम्बल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, जब हम कम्पीट करते हैं उन ब्रुजवा क्लास के, इलीट क्लास के उन लोगों के साथ जो हमारे प्रोफेशन में मौजूद हैं, और अगर मैं कंपैरेटिवली देखता हूँ कि उनमें क्या सलाहियतें हैं, तो मुझे सबसे पहले वो लैंग्वेज में प्रोफेशनल हैं। लॉ चूँकि इंग्लिश में है, तो उसको उसकी सही लेजिस्लेटिव इंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी है, और रिजल्टेंटली वो कोर्ट को बेहतर अंदाज में असिस्ट कर लेते हैं। और मेरे जैसा जो एक प्राइमरी स्कूल जिसकी ट्यूशन फ़ी 25 paisa अ मंथ हुआ करती थी और बड़ा ही हम्बल बैकग्राउंड, उस जिसने के क्लास 6 में आके ABC सीखी, उसको बड़ा मुश्किल लगता है प्रैक्टिकली कम्पीट करना जब वो प्रोफेशन में आता है,
तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे जैसे हम्बल बैकग्राउंड के लॉयर्स हैं, जो मेरे फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं कोई किरदार अदा कर सकूँ उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव और इन्हांस करने के लिए, तो वो मेरा एक गोल है। और आज कासिम अली शाह साहब के साथ मीटिंग करने के बाद मुझे अब नज़र आता है कि आने वाले मुस्तकबिल में हम उस गोल को अचीव कर सकेंगे। सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस ऑप्टिमिज्म का इजहार इन दरो दीवार से हो रहा है, और जो खासा है कासिम अली शाह साहब की शख्सियत का, वो हाईली इम्प्रेसिव है कि वो जिस विज़न के साथ उन्होंने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और जिस तरह से वो अपने मिशन को लेके चल रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ना सिर्फ वो माजी में जो उनकी सर्विसेज रही हैं और हाल में जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, मुस्तकबिल में जो उनका विज़न है, मैं समझता हूँ कि वो जितना सराहा जाए उनकी इन खिदमात को उतना कम है। और अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत फरमाएं कि आने वाले वक्त में मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ कि जिस अंदाज में वो अपनी कारहाए नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं, इस फाउंडेशन के काम को मज़ीद रिकग्नाइज़ किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा नेशनल सतह पे, गवर्नमेंटल लेवल्स पे और इंटरनेशनल सतह पे। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाब अली खान साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप स्पेशल यहाँ पे तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम और इनकी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि जो मैंने इनको पढ़ा, इनका इंटरव्यू किया, मैंने तो इनसे एक ही चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने स्किल्स को कम से कम डेवलप करें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आप काम करें, कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर है जिसको आप निखार सकते हैं और संवार सकते हैं और माशरे के सामने एक बेहतर इंसान के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।